हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर इवांस ट्राइज द ओ लेवल एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट यू हैव स्टडीड दैट इवांस वाज अंडरगोइंग जर्मन क्लासेस एंड नाउ ही वांट्स टू गिव एन एग्जाम। सो he is appearing in his exam and the governor, the board, the prison officers, the McCleary, everyone is there and taking care of his exam. The exam began at 9:25 and 2 hours exam it is. 2 ghante ka exam hai. और 2 घंटे के एग्ज़ाम का जो ओवर टाइम है वो 11:25 है। और इवांस जो है मैक्लेरी के सुपरविजन में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। और यहाँ लास्ट फ्यू लाइंस में ये था कि इवांस रिक्वेस्ट कर रहा है मैक्लेरी से कि सर मैं ब्लैंकेट ओढ़ लूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और मैक्लेरी ने भी उसे परमिशन दे दी थी, फिर साइलेंस हो गया था। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। एट 10:51 AM स्टीफेंसन वाज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रेट रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रैब राउंड इवांस शोल्डर एंड ही फ्रॉन्ड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। दस 10:51 AM पे स्टीफेंसन बहुत चकित रह गए और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इवांस जो है वो एक गर्म करने वाले ब्लैंकेट को रैप किए हुए अपने मतलब कंधों से रैप किए हुए अपने आप को ढका हुआ है। और वो मतलब इन्होंने भौंएं चढ़ाते फ्रॉन्ट मीन्स भौंएं चढ़ाते हुए देखा, फिर से एक बार उसको ध्यान से देखने की कोशिश की कि ये क्या चल रहा है। एकदम से जो एग्जामिनी है इवांस है वो कंबल क्यों ओढ़ लिया। बट इवांस द पेन इज स्टिल बिटवीन हिज टीथ वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर। लेकिन इवांस के में कोई चेंज नहीं हुआ था, वो अभी पेन को मुंह में दबाए वैसे ही ब्लैंक बैठा हुआ था। वेकेंट मतलब ब्लैंक बैठा हुआ था, जैसे पहले बैठा हुआ था। ब्लैंकली बीनीथ द ब्लैंकेट, ब्लैंकली मतलब कुछ नहीं आ रहा था उसको और भी नहीं था, अब ब्लैंकेट ओढ़े हुए था उसके अंदर वो बैठा हुआ था। शुड स्टीफेंसन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी एनीथिंग एट ऑल फिशी हैडंट जैक्सन सेड। स्टीफेंसन ने सोचा कि ये जो थोड़ा सा चेंज आया है इसे जैक्सन को बता दें, क्योंकि जैक्सन ने कहा था कुछ भी फिशी हो, कुछ भी संदेहजनक हो, फिशी मतलब संदेहजनक, तो मुझे ज़रूर बताना। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, फिर उसने पीप होल से देखा एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ। जब वो पीप होल से देख रहा था तो इवांस ने उस ब्लैंकेट को और कस के खींच के अपने आप को रैप किया, उसने और कस के खींचा। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मिस मैक्लेरी इन द ब्लैंकेट, उसने सोचा, स्टीफेंसन ने सोचा क्या इवांस बैटमैन की तरह जंप करके ब्लैंकेट को मैक्लेरी के ऊपर डाल देगा, उस को सफोकेट करके मार डालेगा। सफोकेट मतलब दम घुटा के मार डालेगा। डोंट बी ड्राफ्ट, जैसा पागल मत बनो, इतना मत सोचो। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, नॉट हीटिंग इधर ड्यूरिंग द समर मंथ एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स। स्टीफेंसन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू his earlier every minute observation. तो अब स्टीफेंसन ने सोचा कि अरे ऐसे मत सोचो, गलत मत सोचो, और डीविंग में रहता है इवांस और डीविंग का ये जो कुछ कमरे हैं उनमें तो जो है सनलाइट नहीं पहुँचती, इवन गर्मियों में नहीं पहुँचती है,
और इसलिए कमरे बहुत ठंडे चिली होते हैं और इसीलिए उसने ब्लैंकेट ओढ़ा होगा। हाँ, ये था कि स्टीफेंसन ने कहा कि अब मैं फिर एक एक मिनट पर चेक करता रहूँगा। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकर्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस एंड मैक्लेरी इन्फॉर्म्ड इवंस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ बट समथिंग स्टिल गॉन अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड। He reached for the phone once more. In this paragraph, the narrator is saying कि 11:20 पर 11:20 AM पर फिर से रिसीवर बजा, फ़ोन का रिसीवर बजा और जो गवर्नर के ऑफिस का साइलेंस ब्रेक हुआ एंड मैक्लेरी बोल रहे थे इवेंट से कि 5 मिनट बचे हैं और एग्जामिनेशन ओवर होने में, और जो गवर्नर है ग्वान का मतलब होता है टेंशन, उसको अभी भी टेंशन थी कि कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उसने वो फ़ोन करने गया। वंस मोर उसने फ़ोन किया, किसको फ़ोन किया आइए देखते हैं। एट 11:22 AM जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफेंसन, द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विथ हिम। हरी मैन, स्टीफेंसन पिक अप द फोन apprehensively and listened to the rapidly spoken words. Stephenson himself was to accompany McCleary to the main prison gate. Understood? Stephenson personally was to make absolute sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. Understood? Understood. Now, at 11:22 AM जैक्सन ने चिल्लाकर स्टीफेंसन को बुलाया कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं, जल्दी आओ। और स्टीफेंसन ने भी apprehensively का मतलब होता है worriedly, बहुत ध्यान देकर चिंताजनक चेहरा बनाते हुए ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि गवर्नर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे कि तुम्हें मैक्लेरी को गेट तक, प्रिजन गेट तक छोड़ने जाना है, समझ में आया। फिर स्टीफेंसन से कहा कि पर्सनली तुम्हें ये भी ध्यान देना है कि मैक्लेरी को छोड़ने जाने से पहले जो गेट है वैंस सेल के अंदर बैठा है वो गेट बंद हो जाए, तुम्हें समझ में आया। वो तो उन्होंने कहा हाँ मैं समझ गया। At 11:25 AM the governor heard the final exchanges. Governor ने 11:25 पे आखिरी exchanges सुने। Miss McCleary, stop writing please. Silence. McCleary, put your sheets in order and see there they are correctly numbered. अपनी sheets को ऑर्डर से लगा दो और नंबर डाउन कर दो, उस पर नंबर लिख दो कितने पेजेस तुमने यूज़ किए हैं, और करेक्टली ध्यान से करना, सही तरीके से करना। साइलेंस। स्क्रैपिंग द चेयर एंड टेबल, चेयर के मतलब घसीटने की आवाज़ आती है, स्क्रैपिंग की आवाज़ आती है। इवेंस, थैंक यू वेरी मच सर। इवेंस बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, उसका एग्ज़ाम पूरा हो गया तो वो McCleary को थैंक्स बोल रहा है। McCleary, ऑल राइट वॉज इट, तो McCleary पूछते हैं कैसा था पेपर। इवेंस कहता है नॉट टू बैड, बहुत ख़राब नहीं था। McCleary, गुड। McCleary उससे इवेंस को गुड कहते हैं, फिर आवाज़ देते हैं, ज़ोर से आवाज़ देते हैं। क्या आवाज़ देते हैं? मिस्टर स्टीफेंसन। तो जोर से स्टीफेंसन को बुलाते हैं। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। तो गवर्नर के जो स्पीकर लगा होता है उससे सुनाई देता है कि जो है दरवाज़ा बंद हो जाता है और एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आज स्टीफेंसन एज ही वॉक बिसाइड McCleary टू द मेन गेट। स्टीफेंसन ने McCleary से पूछा कि उसने कैसा किया होगा। और आई कान थिंक ही इज डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। McCleary ने कहा मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को प्रूव कर पाया होगा
और मुझे थोड़ा डर है कि उसने अच्छा नहीं किया होगा। हिज स्कॉटिश एक्सेंट सीम ब्रॉडर देन एवर एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग ऑलमोस्ट हिज नीज फॉस्टर द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन हिम। जो स्कॉटिश एक्सेंट था वो और ज़्यादा ब्रॉडर लग रहा था, बड़े अलग अजीब ढंग से वो बोल रहे थे, चौड़ा करके ब्रॉडर करके बोल रहे थे। और जो उन्होंने ओवर कोट पहन रखी थी वो नी लेंथ पे जा रही थी और लंबी हो गई थी ऐसा लग रहा था, और एक भ्रम पैदा कर रहा था कि ये जब आए थे तो मोटे थे और जब जा रहे हैं तो ये पतले हो गए हैं। स्टीफनसन फेल्ट प्लीज दैट गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन टू सी मैक्लेरी ऑफ द प्रमाइसिस एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल। स्टीफनसन बहुत खुश थे, मतलब ये उनको एक फिशी सा ये भी था, मतलब एक शक हुआ, लेकिन वो इतने खुश थे कि गवर्नर ने उनको ये जिम्मेदारी दी जैक्सन को ना देते हुए, क्योंकि जैक्सन बहुत पुराने हैं और स्टीफनसन अभी नए थे, तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। और कहते हैं कि दिन भी अच्छा बीता था। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। अभी भी उनके दिमाग में कोई चीज़ चल रही थी, वो कॉफ़ी पीना जाना चाहते थे लेकिन वो कॉफ़ी पीने नहीं जा पाते हैं, और वो उनके दिमाग में जो संदेह है उसको वो चेक करने जाते हैं। वॉट ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, वो एक बार इवांस को चेक करना चाहते थे। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, जैसे वो टीवी प्रोग्राम में देखते हैं। क्या देखते हैं? अबाउट अ वुमन, एक औरत के बारे में, हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। ऑफन शी हैड गॉट अप 12-15 समटाइम 20 टाइम्स टू चेक द बोर्ड। वो औरत क्या है, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है और बार बार रात में 12 बार 15 बार और कभी कभी तो 20 बार उठकर दरवाजे का बोल्ट चेक करती है कि कुंडी चेक करती है कि बंद है कि नहीं। ही री एंटर डीविंग मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल एंड ओपन द पीप होल वंस मोर। ओह नो क्राइस्ट नो, देयर sprawled back on Ivan's chair was a man. For a semi-second, Stephenson thought it must be Ivan. A grey regular blanket slipped from his shoulder. अब वो डीविंग में जाते हैं इवांस को चेक करने के लिए, जैसे ही वो पीप होल से देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है ओ नो क्राइस्ट नो, और जो देयर क्या था, वहाँ पे क्या था, इवांस जो है चेयर पर स्प्रॉल्ड, मतलब जैसे हल्का लूज हो गया हो, लूज बॉडी वाला, उसका हाथ वाथ लटक रहा था और उसका जो ब्लैंकेट है वो उसके शोल्डर से गिर रहा था। द फ्रंट ऑफ His closely cropped, regularly tufted hair awash with furious red blood with which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down to the black clerical front. और उसके सर पे जैसे चोट लगी हो कहीं पे, और उसका पूरा चेहरा जो है वो खून से भरा हुआ था और जो खून है वो बहुत तेज़ी से बह रहा था और खून जो है उसके चेहरे से होते हुए और उसकी दाढ़ी पे आ रहा था और पूरे चेहरे पे फैल रहा था। उसका जो ड्रेस है, कॉलर है, क्लैरिकल कॉलर है, और उसका जो ब्लैक कोट है उस पर पूरा पूरा खून ही खून हो रहा था। स्टीफनसन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन को बुलाया उसने चिल्लाकर, एंड द वर्ड्स अपीयर्ड टू पेनिट्रेट द सर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लेरी ईयर्स फॉर द मिनिस्टर्स हैंड
feebly for a handkerchief from his pocket and held it to his bleeding head, the blood sweeping slowly through the white linen. स्टीफेंसन ने इतनी ज़ोर से जैक्सन को आवाज़ दिया कि मैक्लेरी के कान थे वो खून से भरे हुए थे, उनमें भी आवाज़ पहुंच गई, वो कान के अंदर पेनिट्रेट कर गए और मैक्लेरी ने जेब में बहुत फेबली बहुत कमज़ोरी के साथ मतलब ये करते हुए धीरे धीरे हाथ ये करते हुए उठाकर कमज़ोर हाथों से उसने अपने पॉकेट से लिनन का, आप देखिए यहाँ पे लिनन का आया हुआ है, तो लिनन की हैंकी किसके पास थी, इवांस के पास थी, लेकिन यहाँ पे स्टीफेंसन समझ नहीं पा रहे हैं और लिनन की हैंकी से वो निकाल के उन्होंने वो क्या किया, मैं अपने वुंड पे रखा, जो घाव है चोट पे रखा. He gave a long, low mourn. और mourn मतलब होता है दर्द से कराना, वो दर्द से कराए जब अपने घाव पे उन्होंने हैंकी रखी. And tried to speak, कुछ बोलने की कोशिश की, but his voice trailed away. Voice जो है निकली नहीं, block हो गई, नहीं निकल पाई. And by the time Jackson had arrived and dispatched Stephenson to ring the police and the ambulance. जो तब तक जैक्सन आ गए, जैक्सन ने तुरंत कहा कि पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ. द हैंडकरचीफ वाज स्टिकी स्क्रीची एंड स्क्रीची वुज ऑफ क्लोथ. क्या हुआ था, तब तक जो हैंडकरचीफ है वाज स्टिकी चिपचिपा हो गया था, स्क्रीची स्क्रीची का मतलब होता है वेट हो गया था, भीग गया था. और वुडेज ऑफ क्लोथ द पीस ऑफ क्लोथ, तो जो कपड़ा था वो चिपचिपा हो चुका था, गीला हो चुका था और एकदम भीग चुका था खून से. मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, हिज फेस ट्विस्ट टाइटली विथ पेन, दर्द के मारे उस मैक्लेरी का चेहरा एकदम भीचा जा रहा था, वो आँखें एकदम भीची सी जा रही थी दर्द के मारे, वो करा रहा था. डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑल राइट, गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही वॉज. ही क्लोज हिज आईज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर. हिज हैंड फेल्ट अलोंग the table, found the German question paper and grabs it tightly in his blood-stained hand. Get the governor. I know where Ivan's. अब मैक्लेरी जो हैं धीरे से उठ के खड़े होते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, दर्द के मारे उनका चेहरा एकदम भिजता जाता है और वो कहते हैं कि एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ और पुलिस को बुलाओ. और तब ऐसे बोलते बोलते उनकी आँखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही आँखें बंद होती हैं तो उनके सर से एक बड़ी सी बारिश की बूंद की तरह खून की बूंद वुडन लकड़ी के फर्श पे गिरती है और वो जर्मन क्वेश्चन पेपर टेबल पे होता है, उसको अपने खून भरे हाथों में पकड़ लेते हैं और कहते हैं गवर्नर को बुलाओ और मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ है. ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइरेंस वर साउंडिंग, प्रिजन ऑफिसर ब्रेक ऑर्डर, पजल प्रिजनर्स पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर, डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड and phones were ringing everywhere. Almost immediately sirens, मतलब siren बजने लगे, siren की sound चारों तरफ गूंजने लगी, prison officers एक दूसरे को order देने लगे, puzzled prisoners pushed their way along the corridors. prisoners जो थे वो अपना जो है corridors में आ गए, मतलब अब बैठे हुए थे तो corridors में देखने लगे आके अपने अपने cells से. डोर्स व बैंक, जितने भी दरवाजे थे उनको बंद कर दिया गया था, उनमें कुंडियाँ लगा दी गई थी. एंड फोन्स व रिंगिंग एवरीवेयर, जो फ़ोन है चारों तरफ फ़ोन बजने लगे थे. एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफेंसन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड, हिज फेस नॉर स्ट्राइक एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड was greeted in the prison yard.
बाय द गवर्नर परप्लेक्स्ड एंड ग्रीन। जो स्टीफेंसन है और मतलब एक मिनट विद इन अ मिनट मैक्लेरी और स्टीफेंसन और जैक्सन ने मैक्लेरी को सपोर्ट देते हुए गवर्नर के पास वो ले जा रहे हैं। और जो मैक्लेरी का चेहरा है उसमें स्ट्रीक्ड मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड गिर रहा है, एक जगह से नहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह से ब्लड गिर रहा है और केक्ड हो गया है, सूख गया है विथ ड्राइंग ब्लड। वो सूख गए हैं, निशान पड़ गए हैं ब्लड के। वो ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड, ग्रीटेड मतलब उनको विश किया। और गवर्नर बहुत ही वरीड और पर ब्रेन मतलब कंफ्यूज्ड और वरीड हैं कि क्या हो गया। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट, गवर्नर ने कहा कि हमें आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आई जस्ट डोंट, वो कुछ और कहने ही जा रहे थे तब तक मैक्लेरी ने बात काटी और कहा यू हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या आपने पुलिस को बुलाया है? तो गवर्नर कहते यस यस दे आर ऑन देयर वे, वो आ रहे हैं, मैंने बुलाया है। बट फिर वो बात काट देते हैं, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, लुक लुक हियर। ऑकवर्डली ही ओपन्ड द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, इट्स देयर, डू यू सी वॉट आई मीन? और कहते हैं मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, लुक लुक। ऑकवर्डली मैंने बड़े उससे दिखाते हैं ओपन करके और जर्मन क्वेश्चन पेपर को दिखाते हैं कि क्या था उसमें। कहते हैं कि देखो मैं क्या मतलब गवर्नर के फेस के सामने करके कहते हैं देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैक्लेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। अ फोटो कॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। गवर्नर ने बहुत ध्यान से देखा और फिर रियलाइज़ किया कि मैक्लेरी क्या कहना चाहते हैं। एक फ़ोटो कॉपी शीट जो है, जैसे लास्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, अक्सर ब्लैंक होता है, लेकिन उसके मतलब उससे पहले एक फ़ोटो कॉपी शीट लगी हुई थी, किसी ने बहुत चालाकी से उसमें लगा दी थी। यू सी वॉट दे हैव डन गवर्नर, यू सी, His voice trailed off again। और इतना कहकर फिर उसकी आवाज़ नहीं निकली। As the governor reading the layers of the long neglected learning willed himself to translate the German text before him। अब गवर्नर जो है गवर्नर से कहता है कि देखिए क्या है, तो यू सी दिस, और फिर उसके आवाज़ नहीं निकलती है। तो गवर्नर जो है डिग्रेड मतलब क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने बहुत सालों पहले पढ़ा था जर्मन, तो उसे याद करके उसको पढ़ने की ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो जर्मन में लिखा है मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, और जो ट्रांसलेशन है इसका उसको पढ़ के आपको समझाती हूँ। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग द वाइटल पॉइंट इन द time is 3 minutes before the end of the examination, but something don't hit him too hard, remember he is a minister, and don't overdo the Scots accent well। तो जो लिखा था वो लिखा ये था कि you must follow the plan, जो है plan अच्छे से follow करना। फिर गवर्नर पढ़ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं समथिंग, फिर कहते हैं वाइटल पॉइंट ये है, जो मेन पॉइंट ये है कि 3 मिनट्स बिफोर ये काम तुम्हें करना है, और मिनिस्टर को कस के मत मानना क्योंकि वो एक पार्सन है, वो क्रिश्चियन फादर है, इसलिए उसे कस के मत मानना, और जो स्कॉटिश एक्सेंट है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज मत करना। एज अ फास्ट अप्रोचिंग साइरन वेल्ड to its crescendo, the gate door of the prison yard were pushed back and a white police car squealed
to a jerk halt beside them. फास्ट सायरन, सायरन बजा और जो मेन डोर होता है वो खुलता है और एक जो प्रिजन यार्ड है वहाँ पे आके जो पुलिस कार है वो स्क्विड मतलब जो पहिए के घिसने की आवाज़ होती है एक जर्क के साथ रुकती है इनके सामने. डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, कार्टर भी यहाँ पे आ गए, ये भी एक कैरेक्टर है इस प्ले के. कार्टर आ जाते हैं, स्वंग हिमसेल्फ आउट, स्वंग मीन्स बाहर आते हैं, आउट ऑफ द कार, उस कार से बाहर आते हैं द पैसेंजर सीट एंड सल्यूटेड गवर्नर, गवर्नर को सल्यूट करते हैं. व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर, सर ये सब क्या हो रहा है. एंड टर्निंग टू मैक्लरी, क्राइस्ट हु हिट हिम, और वो मैक्लरी को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, कहते हैं वो जीसस क्या हो रहा है. बट मैक्लरी कट अक्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन. एल्स फील्ड वे ऑफिसर आई नो वेयर इवांस, गवर्नर को जो भी गवर्नर ने एक्सप्लेनेशन दिया हो मैक्लरी उसको काटते हुए कहते हैं एल्स फील्ड ले चलो ऑफिसर, मैं जानता हूँ इवांस कहाँ है. ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली, बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे थे. एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, वो जो है लीन हो गए, सहारा ले लिया, सपोर्ट ले लिया साइड ऑफ द कार, वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन द टार्निश्ड क्रिम्सन, उनके हाथों का जो ब्लड से भरा हाथ है उसका इम्प्रेशन उस कार पे आ गया. इन बीवाइल्डमेंट, अब बीवाइल्डमेंट का मतलब क्या होता है, घबराहट में. ओके, बीवाइल्डमेंट का मतलब होता है घबराहट में. लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, वॉट में इन बीवाइल्डमेंट का मतलब होता है घबराहट में. कार्टर लुक टू द गवर्नर, गवर्नर की तरफ देखें क्या करेंगे, जो बोल रहे हैं वो करें कि जो आप बोल रहे हैं वो करें. तो टेक हिम विथ यू इफ़ यू थिंक ही विल बी एबल, विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग. गवर्नर कहते हैं कि अगर तुम्हें सही लगता है तो इनको अपने साथ ले जाओ, क्योंकि बस यही हैं जो जानते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है. कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लरी इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लिफ्ट अवे इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल. स्पर्ट ऑफ ग्रेवल का मतलब तो बहुत तेज़ी में. तो कार्टर ने जो कार का दरवाज़ा उसे खोला, बैकडोर को खोला, मैक्लरी को उसमें बिठाया और कुछ ही सेकेंड्स में कार जो है बहुत तेज़ी से बाहर चली गई. एल्स फील्ड वे मैक्लरी हैड सेड एंड देयर इट वॉज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट. अब जो गवर्नर है फिर से उसको जो जर्मन क्वेश्चन आंसर सीट है उसको देख के उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर, येस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे. एल्सफील्ड वे में ही एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है. एंड someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. अब गवर्नर जो हैं पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ बोर्ड जो बोर्ड है बोर्ड से ही एग्जामिनेशन बोर्ड से ही कोई ना कोई इसमें मिला हुआ है और बहुत पहले से मिला हुआ है और इसीलिए जो आंसर शीट आया, क्वेश्चन पेपर आया, जो करेक्शन स्लिप आई, ये सारा प्लान था. द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफेंसन, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपेंड डू आई. बहुत गुस्से में वो जैक्सन और स्टीफेंसन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है, तुम जानते हो अच्छे से कि क्या हुआ है. हिज वॉइस साउंडेड almost calm in its scratching contempt. वो बहुत ही critical way में, scratching मतलब insulting way में बात कर रहे थे जैक्सन और स्टीफेंसन से.
कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है. एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय. अब बताओ तुम दोनों में से वो कौन बेवकूफ़ था, मोरान का मतलब होता है स्टूपिड, कौन स्टूपिड था जो इवांस को गेट तक ले गया और फिर बाय बाय किया. इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफेंसन. स्टीफेंसन ने हकलाते हुए कहा कि सर मैं था, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव स्वॉर्न. मैं कसम खा के कहता हूँ सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया. वॉट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से वॉट द हेल. कहते हैं क्या बकवास करते हो तुम, मैंने कहा था, मैंने कब कहा था. वेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी. कहते हैं कि सर आपने मुझे वो फ़ोन करके बोला था. वेन वॉज दैट, द गवर्नर वॉइस वॉज विपलेस नाउ. मतलब जो गवर्नर की वॉइस है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, मतलब सरप्राइज विद सरप्राइज. वो कहते हैं कि कब, मैंने कब फ़ोन किया तुम्हें. यू नो सर अबाउट 11:20 जस्ट बिफोर. वो टाइम बताता है. यू ब्लिथरिंग इडियट मैन. कहते हैं अरे तुम पूरी तरह से बेवकूफ़ हो. इट वॉज़न्ट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज. बट वॉट वॉज द यूज़, ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई यूजलेसली वंस मोर टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड. कहते हैं क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं हुआ, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे. लेकिन फिर वो कहते हैं कि इसका यूज़ भी क्या था, वो हाँ तो इंगेज होता, मेरा फ़ोन इंगेज होता क्योंकि उसने मेरा ही फ़ोन ट्राई किया था, यूज़लेस था. और फिर एग्ज़ामिनेशन बोर्ड टू गेट थ्रू द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से कनेक्ट था फ़ोन, तो इसलिए ये कोई यूज़, मतलब कोई यूज़ नहीं हो सकता था. किसी ने कॉन्स्पिरेसी रची है, यहाँ पे भी कोई कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ पे भी कोई मिला हुआ है. ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर एंड टर्न टू द सीनियर प्रिजनर ऑफिसर. सीनियर प्रिजनर ऑफिसर कौन है, जैक्सन. एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन. विल आई टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी, एब्सोल्यूटली एम्प्टी. It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all. And yet Ivan somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of the clerical paraphernalia. But also some sort of weapons with which he had given McClary such a terrible blow across the head. Ugh. अब गवर्नर जैक्सन से कहते हैं कि जैक्सन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीनियर प्रिजन ऑफिसर हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, और एब्सोल्युटली खाली है, बिल्कुल बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि बिल्कुल खाली है, क्योंकि तुम ही थे जो जिसने इवांस के सेल में 2 घंटे बिताए थे और आकर मुझसे कहा था, तुम ही ने बताया था कि मैंने सेल अच्छे से चेक कर लिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है. और तुम्हारे कहने के बावजूद इवांस ने कैसे बहुत सारी चीज़ें छिपा ली, क्या क्या चीज़ें छिपाई, फॉल्स बियर, नकली दाढ़ी छिपा ली, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स छिपा लिया, चश्मा छुपा लिया, डॉग कॉलर छुपा लिया, क्लैरिकल पैराफेरनेलिया छुपा लिया, ये सारी चीज़ें उसने छुपा ली और तुम जान भी नहीं पाए, तुम्हें पता भी नहीं चला. पैराफेरनेलिया का मतलब होता है डिफरेंट आइटम्स. ओके, तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चला. यू आर टेरेबल मीन्स इतना
और उसने औजार भी कुछ औजार भी छुपा लिया था जिससे उसने मैक्लेरी को हिट किया और इतना गहरा चोट दिया कि वो पूरा खून से लथपथ हो गए थे। अ प्रिजन वैन बैग्ड अलॉन्ग साइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। एक प्रिजन वैन आई बैग करके और लेकिन गवर्नर ने ध्यान नहीं दिया। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन। फिर उसने लास्ट लाइन जो जर्मन में लिखा था उसको ध्यान दिया। क्या लिखा था? टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर टू मेक योर वे टू न्यू ग्राबन वेयर ऑन अर्थ न्यू समथिंग न्यू ग्रेव नेवर हर्ड ऑफ इट। वो कहते हैं न्यू ग्राबन धरती पे कहाँ है, मतलब कुछ नया है, न्यू ग्रेव हो सकता है लेकिन पहले कभी सुना नहीं। देयर वॉज अ वॉर ग्रेव है समवेयर नियर रीडिंग के पास वॉर ग्रेव है बट नो इट्स नॉट प्रोबेबली अ कोड वर्ड। कहते हैं अब मैं समझा ये कोड वर्ड है। एंड देन इट हिट हिम और उसके बाद उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये क्या हो सकता है, न्यूबेरी। गॉड यस हाँ न्यूबेरी है, ये क्या है, न्यूबेरी है। वॉज अ प्रिटी बिग शॉर्ट प्लेस फॉर ऑफ प्लेस बट वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी जगह है और लेकिन ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट टेक जैक्सन एंड स्टीफेंसन हियर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल चीफ इंस्पेक्टर बेल। गॉट दैट? अब वो कहते हैं ड्राइवर को कि तुम पुलिस स्टेशन सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाओ जैक्सन और स्टीफेंसन को लेके, वहाँ जाकर चीफ इंस्पेक्टर बेल को ले लेना, समझ गए। ही लीव द स्टेयर्स ऑफ हिज ऑफिस थ्री एट अ टाइम, एक साथ तीन तीन चार चार सीढ़ियाँ वो चढ़ रहे थे। गॉट बेल ऑन द फोन, बेल से फ़ोन पे बात करते इमीडिएटली एंड पुट ऑल द फैक्ट्स बिफोर हिम, सारी बातें उसको बता देते हैं। बेल बोलते हैं वी विल गेट हिम विथ अ बिट ऑफ लक, कहते हैं कि अगर लक ने हमारा साथ दिया तो हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। द गवर्नर सैट बैक एंड लिट अ सिगरेट, गवर्नर जो हैं बैठते हैं और सिगरेट जलाते हैं। ये गॉड्स What a beautiful laid plan it had all been. What a clever fellow Evans was. Careless leaving that question paper behind. But when they all made their mistake somewhere along the line. Well, almost all of them. All that's why very, very shortly Mr. Clever Evans would be back inside. Doing his once more. गवर्नर बैठ के सिगरेट एक सिगरेट जलाते हैं और कहते हैं ओ गॉड कितना अच्छा प्लान बनाया, कितना चालाक है इवांस, और लेकिन एक गलती वो कर गया, एक केयरलेस मिस्टेक कर गया है। सभी करते हैं, जितने भी चालाक लोग होते हैं या मतलब क्रिमिनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक करते हैं, और मिस्टर क्लेवर इवेंट्स जो हैं उन्होंने भी गलती की है और वो बहुत ही जल्दी फिर से सेल के अंदर होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एंड हियर एंड आई विल बी बैक विद दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वेरी सून। सो कीप इट टिल हियर। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, I will help you out to make you understand the chapter and I will be back very soon. So keep on studying, stay safe, stay healthy. Thank you.